अपदर्थे धनम रक्षे श्रीमताम कुत आपद कदाचि चलिता लक्ष्मी ही संचितो अपि विनिश्चित। अर्थात आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुष के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। धन्यवाद साथियों।